वही विषय लेकर के मैं वहाँ अजीत दादा के पास जा रहा हूँ। वहाँ पे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री और अपोजिशन लीडर से मिला। हम लोगों ने, हमारे नगर सेवकों ने, माजी और मैं खुद और माजी महापौर ताहिरा शेख, हमारे कई नगर सेवक जैसे असलम अंसारी है, शकील बेग है, सलीम टैक्सी वाले हैं, सैयद मुस्लिम है, हमारे माजी चेयरमैन असलम अंसारी है, दूसरे माजी चेयरमैन हमारे जफर अहमद अहमदुल्ला, ऐसे 15-20 लोगों ने जा कर के निवेदन दिया था 15 दिसंबर को अतिरिक्त आयुक्त के पास, क्योंकि आयुक्त तो कभी हाजिर रहता ही नहीं है कारपोरेशन में। गए थे उनको देने के लिए, लेकिन आयुक्त तो यहाँ पे कभी हाजिर नहीं रहता है। तो आगरा रोड का टेंडर निकलने के लिए जो माजी महापौर ताहिरा शेख रशीद के टाइम में जो आखिरी बजट था, उस वक्त तो आगरा रोड के लिए माजी महापौर ताहिरा शेख ने 15 करोड़ रुपया आगरा रोड, जूना आगरा रोड तीसरे फेज का, जो फारन हॉस्पिटल आगरा रोड का जो है, वहाँ से दरे गांव तक का 15 करोड़ रुपया हम लोगों ने उसकी मंजूरी रखी थी, मंजूरी दी थी। उसके बाद में टेंडर हुआ, 20 करोड़ का टेंडर निकला या 19 करोड़ का, ऐसा कुछ है, वो अच्छी बात है। उसके अंदर कुछ छोटे ब्रिज है, उसको भी रुंदीकरण करना, RCC, ऐसा टेंडर होने के लिए करीब 1 महीने से ऊपर 5-6 हफ्ते हो गए, टेंडर ओपन हो गया, लेकिन ना जाने क्या बात है, उसके अंदर वर्क ऑर्डर क्यों नहीं हो रहा, शायद वो आयुक्तों का कुछ हुआ नहीं होगा या कुछ और लोगों का कुछ, इसको बोलते ना अपन देवन देवन मराठी में, लेना देना नहीं हुआ होगा, इसीलिए अभी तक वो वर्क ऑर्डर नहीं हो रहा। और वर्क ऑर्डर होगा भी कहाँ से, आयुक्त तो हफ्ता हफ्ता भर, महीने में 3 दिन की हाजिरी रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा पूरे महीने में कॉरपोरेशन में आयुक्त होती है, और वो जगह के ऊपर हाजिर नहीं रहता, उसकी इच्छा काम करने के लिए, खाली पैसा किधर से आएगा ये इच्छा है। और अभी भी जो ढंग से उसका कामकाज चल रहा है, वो नई बॉडी के लिए जो बजट जो पेश किए थे कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने, हमारे बॉडी के उस वक्त जफर अहमद अहमदुल्ला ने, जितना हेड कॉरपोरेशन के अंदर पूरे शहर के रास्तों का रखा गया है, मेन रास्तों का, और उसके साथ साथ ऐसे कई रास्तों का मूलभूत सुविधा जिसको बोलते हैं मराठी में, लोगों को हर काम की सुविधा मिले, उसी को लेकर के हम लोगों ने निवेदन दिया। और फिर का इंटीमेशन हमने दिए थे आज की तारीख में, यानी आज है 18 तारीख, 19 तारीख तक काम शुरू होना चाहिए, और काम शुरू नहीं हुआ। इसके लिए हम लोगों ने बोला था कि बूथ को, यानी 20 तारीख पड़ेगी, यानी 21 तारीख वहाँ पे माजी महापौर ताहिरा शेख के नेतृत्व में और हमारे पदाधिकारी और माजी नगर सेवक और हमारे शहर के कार्यकर्ते, वहाँ धरना आंदोलन हमारा होने वाला है, आज तक होने, और अब हम वो आंदोलन हमारा चलता रहेगा, और जब तक काम शुरू नहीं होता जब तक चलता रहेगा। इसी के लिए आप लोग को मैंने बुला करके बात बोली, क्योंकि कल मैं नागपुर जा रहा हूँ, और जो पिछले दिनों एक मोर्चा निकाला गया था 12 दिसंबर को,
मैं माजी महापौर ताहिर शेख, आसिफ शेख और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी जिम्मेदार के नेतृत्व में महिला विंग और शहर से तमाम बुजुर्ग नौजवान और बहने, बुजुर्ग बहन उसके अंदर शामिल हुई थी। क्योंकि जब पीले कार्ड का दौर आज से 25 साल पहले या 28 साल पहले गवर्नमेंट ने गरीबों को 90 रुपये के अंदर 35 किलो अनाज मिले, चावल शक्कर तेल वगैरह सब उसके अंदर, लेकिन पीले कार्ड की भी संख्या बहुत कम है। हमारी डिमांड थी जो पीले कार्ड भी फिर से बनना चाहिए, वही केसरी कार्ड वालों को भी जिनकी 59,000 की इनकम सोर्स है साल की, उनको भी 90 रुपये में अनाज मिलना चाहिए। वो इसकी वही विषय लेकर के हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ा और उसके अंदर 20 से 25 हज़ार, 15 से 18 हज़ार तो माँ बहन ही थी खाली और बाकी जेंट्स हजरात थे, ऐसे 25-30 हज़ार लोग वहाँ पर उस मोर्चे में शरीक हुए। वो इसलिए कि 20 साल से उन गरीब भाइयों का जो केसरी कार्ड के ऊपर अनाज शहर के ग्रामीण के सब इलाकों में मिलता है और महाराष्ट्र भरे मिलता है, लेकिन मालेगांव शहर के लोगों को उससे वंचित रखा गया, यानी उनको अनाज नहीं दिया गया। इसका मतलब FDO, DSO, महसूल डिपार्टमेंट की उसके अंदर बड़ी कहीं ना कहीं ब्लैक उसके अंदर हुआ है माल का, पर गरीबों को अनाज नहीं मिला। पिछले दिनों मोर्चा निकालने के बाद हमको आश्वासन दिया गया, हमने ये विषय महाराष्ट्र असेंबली के अपोजिशन लीडर अजीत दादा पवार से मुंबई जाके मुलाकात करी। अजीत दादा ने कलेक्टर से फौरी तौर पर जगह के ऊपर बातचीत करी और फिटिंग लगाने के लिए कहा। मैं आसिफ भाई मुंबई में थे, अर्जेंट में कलेक्टर ने ऑनलाइन मीटिंग लगा ली तो मालेगांव से हमारे माजी महापौर ताहिरा शेख, अकरम अंसारी, किसान राशन वाले शकील बेग, ऐसे लोग उसके अंदर लिंक उनको भी आ गई थी, वो लोग जॉइन हो गए थे। आसिफ भाई को मुझे लिंक तो आई थी लेकिन हम जॉइन नहीं हो पाए। बहरहाल उन्होंने आश्वासन दिया। बाद में दूसरे दिन आसिफ भाई ने मुंबई से आते आते फिर कलेक्टर साहब ने जुम्मे के दिन एक मीटिंग लगाई और वह आश्वासन दिया गया कि वो उसके अंदर ये बोला गया कि अभी आपको हम 22,000 लोगों को जो सिलक है मालेगा उनको अभी हम अनाज शुरू 2-1 महीने के अंदर पूरा प्रोसीजर करके वो शुरू कर लेंगे। जिनका 59,000 इनकम सोर्स है उसके लिए वो दाखिला ही बनाना पड़ेगा। वहीं उन्होंने लिखी स्वरूप में जो हमको लेटर दिया आसिफ भाई को और हमको भी, कि उन्होंने गवर्नमेंट से विशेष बोल करके कलेक्टर ने डिमांड की है कि मालेगांव क्षेत्र के अंदर दारिद्र रेखा के नीचे जो लोग जिंदगी गुजारते हैं, 59,000 की जिनकी इनकम है वो उनको अनाज मिलना चाहिए, उन्होंने विशेष बोल करके गवर्नमेंट में डिमांड करी। ऐसा लेटर उन्होंने दिया, आसिफ भाई ने परसों पत्रकार परिषद देकर के आप लोग को बताया। वही विषय लेकर मैं कल 11 बजे, क्योंकि नागपुर असेंबली शुरू है, महाराष्ट्र असेंबली शुरू है और हिवाड़ी अधिवेशन वही होता है हमेशा की तरह, लॉकडाउन में 2 टाइम नहीं हुआ, वही विषय लेकर के मैं वहाँ अजीत दादा के पास जा रहा हूँ। वहाँ पे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री और अपोजिशन लीडर से मुलाकात करके हाउस के अंदर वो आवाज़ उठे और अजीत दादा ने हमसे वादा किया, उनके PS को बोला भी हमारे सामने
बम्बई में कि जब पुरानी मांगनियाँ रहेगी तो मुझे ये लेटर देना ताकि मैं हाउस के अंदर बोल सकूँ और उसके वजह से लोगों का असल में गरीब भाइयों को उसका फ़ायदा मिल जाए। यही विषय लेकर के मैं कल खुद और मेरे साथ में शकील बे और साथ साथ में हमारे लतीफ़ भाई शेख लतीफ शेख अबू और साथ साथ में हमारे ऐसे चार पांच लोग हमारे वहाँ नगर सेवक हैं, माजी नंदू सावन भी आ रहे हैं और वही हमारे आमिर मलिक भी आ रहे हैं और वहाँ जाकर के हम निवेदन बाकायदा देंगे। मुझे उम्मीद है कि उसके अंदर आवाज़ उठने के बाद में इंशाल्लाह लोगों का गरीब भाइयों का उनको अनाज मिलेगा। थोड़ा देर लगेगी, दो चार महीने, लेकिन उनका हक उनको मिलना चाहिए और ये लड़ाई हम मिलने तक के जारी रखेंगे। यही विषय लेकर के हम आज आ रहे हैं।